प्रकृति प्रति कृतज्ञता आ आराध्य देव सूर्य के उपासना क के मनाओल जाय वाला छठ पावन के मुख्य विधि रवि दिन से औपचारिक रूप में शुरू भेल अछि। मुख्य विधि अंतर्गत पहिल दिन चतुर्थी के विधि में अरबा अरबाइन कयल गेल, जकरा नहा खा सेहो कहल गेल अछि। दोसर दिन खरना, तेसर दिन डूबैत आ चारिम दिन उगैत सूर्य के अर्घ देबाक विधि होइत अछि। एहि पावनि मे सूर्य के उपासना सँ संतान प्राप्ति, निरोगिता, सुख समृद्धि आ चर्म रोग नीक होइत अछि से जन विश्वास अछि। घर परिवार के अपना भगवान मिला के रखे, सबके काया से मांग दे, और कथी बाल बच्चा से बढ़ के दुनिया कथी, दान दला तो बहुते कमावे बहुते लुटावे, लेकिन बाल बच्चा से बढ़ के दुनिया कथु है हमरा सबके लागे। आप कते के लागे धने पूछो, ये वो हमरा प्रॉब्लम ना है। 60 गो फल चढ़ के चाहे, वही में सब फल चढ़ेली आ तई में गमरी के चार चढ़ाबे छिए तो पूर जाएगी। गमरी के चार ऊँची 60 फल। सत्य आ अहिंसा प्रति मानव के चाँख बढ़ेबाक तथा सब जीव प्रति सहानुभूति राख अभिप्रेरित करब एहि पावन के मुख्य विशेषता रहल। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि के कहब छनि, छठ न मात्र मिथिलांचल को अपितु पूर्वीय दर्शन में विश्वास राखने संपूर्ण आर्यहर को पर्व हो। छठ पूजा में सूर्य देवतालाई पूजा गर्ने चलन छ र हाम्रो प्रकृति पूजक समाज आर्यहरू प्रकृति पूजक समाज हुन्, जसमा सुरुदेखि नै आँखाले देख्ने र अनुभव गर्ने, खासमा सूर्य र चन्द्रमालाई त्यस्तै प्रकृतिका रुखदेखि लिएर जल सम्पूर्ण प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूलाई पूजा गर्ने चलन छ र एउटा राम्रो दर्शन यो छठ पर्वले स्थापित गरेको छ। त्यो के भने हाम्रोतिर उदाउँदो सूर्यलाई मात्रै पूजा गर्ने दुनियाँका अन्य भागहरूमा प्रचलन छ, तर मिथिलाको कुरा गर्ने हो भने खासमा छठ पर्व मान्नेहरू अस्ताचलगामी सूर्यलाई अर्थात् डुब्ने सूर्यलाई पनि पूजा गरेर एउटा पितृभक्तिको पितृभक्तिलाई खासमा जसको उत्थान मात्र होइन पतन जसको हुँदैछ त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्दछ भने एउटा ठुलो दर्शन छठले दिएको छ। र जहाँसम्म जनकपुरको छठको कुरा हो, हामी सबैलाई थाहा छ यो सामाजिक सद्भावको एउटा अनुपम नमुना हो। खासमा नेपाली भाषीहरू अर्को शर्मा भन्नु भने पहाडे र मधेसीको सङ्गम सद्भावको पर्व, हिन्दू र मुसलमानको सद्भावको पर्व को रूपमा चाहिँ मिथिलावासीहरू छठलाई मनाउँदै आएको छ। विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गबैत निर्धारित जलाशय धरि पहुँचै छथि। छठ पावनि मे आवश्यक सर समान किन लेल बाजार मे एखन भीड़ देखल गेल अछि। छठ पावनि मे प्रयोग होबय वाला फल फूल से लक कोसिया कुरबार लगातक माटिक भाड़ा बर्तन किन मेल करय वाला सबके बाजार मे व्यापक भीड़ देखल गेल अछि। भाड़ा बर्तन व्यापारी रामदयाल महतो छठ पूजा मे भाड़ा बर्तन बेच कर निक आमदनी होइत आयल बतौलनि। ओ कहलनि आइसँ छठ शुरू भेलासँ एखन बिक्री कमजोर अछि, मुदा एक दू दिन के बाद भीड़ बढ़त। छठ के कते बिक्री के ऊपर जेहन बिक्री रहते तेहन जे है आमदनी है, बिक्री के ऊपर आमदनी रहते ना। अभी तो बहुत कम बिक्री है, अभी बिक्री नहीं है, अब काल परसू रह गए, अब जेहन हो अभी बिक्री बहुत कम है। एम की हमारा सुनते अभी जे एम की तो बुझा रहा है कि बिक्री जान नहीं है मार्केट में, पहले तो ठीक रहले, अब दिन प्रतिदिन कुछ कम भेल जा रहा। तहिना छठ में प्रयोग होबे वाला सामग्री के रूप में रहल ऊंखक व्यापारी शोभित मुखिया स्वयं 900 से लक 1000 रुपया धर के ऊंख किन क बाजार में आने आ आई से 20,000 जते आमदनी भ रहल बतौलनि। नौ से के हजार के किन के लबे छी क्विंटल, वर्ष भर भऽ गेल वएह तऽ 10-20 हजार के बिक्री होइ छै, ओते भऽ जाय 20 हजार। छठ पावनि आस्था के पावनि के संगे गरीब तथा विपन्न परिवार सभक लेल आमदनी के स्रोत के रूप में सेहो रहला सँ मधेश में छठ के विशेषता धीरे धीरे
और बढ़त जा रहा है। टाइम्स टेलीविजन के लिए दीपक कर्ण, जनकपुर धाम।